युक्तात्मा विमुक्त हो मामो सन्यास संन्यास यानी त्याग संन्यास योग युक्त हो तो भगवान के लिए जो त्याग है अर्पण करना है ये त्याग है ये संन्यास का मतलब ये नहीं कि तुम लाल वस्त्र पहन के हिमालय में चले जाओ नहीं ग्रस्त में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य में रहते हुए भी किसी भी रूप में रहते हुए भी अपने जो भी कर्म है उनको भगवान को अर्पण करो सत्य में पग धारो कर्म करो सत कर्मों का फल सत्य ही आएगा तो सत्य फल आएगा वो अनेक कर्म और करवाएगा और वो सारे कर्म उस सत्य को ही ऋषि होते हैं उस सत्य को ही अर्पण होते हैं सत्य कर्म करने वाले की सत्य ही बुद्धि होती है सत्य ही ज्ञान होता है सत्य ही ध्यान होता है सत्य ही उनके कर्म होते हैं सत्य को ही फिर हरपण करेगा सत्य से ही व्यवहार करेगा सत्य तो भगवान का ही स्वरूप है उनको ही एब्सोल्यूट ट्रूथ कहा है परम सत्य उन्हीं को कहा है झूठ का जो व्यवहार करते हैं वो झूठ की ओर जाते हैं दानवों को झूठा कहा है राक्षसों को झूठा कहा है असुरों को झूठा कहा है उनको झूठ झूठ कर्म करने वाले को झूठा ही फल मिलता है और वो झूठा फल जब मिलता है वो आने अनेकों झूठे कर्म करवा लेता है तो फिर वो झूठ को ही उसका ये जन्म भी और अगला जन्म भी झूठ में ही जाता है असत्यता में जीता है असत्यता को ही पाता है सत्य को नहीं सत्य वंचित रह जाता है सत्य को प्राप्त करना है उस परमेश्वर को प्राप्त करना है तो कर्म सत्य करने पड़ेंगे और सत्य कर्मों का सत्य फल जो आएगा वो सत्य को ही अर्पण करना पड़ेगा तब आपकी विजय होगी तब आपको शुभ और अशुभ से मुक्ति होगी तब ये देवलोक हो चाहे लोक हो ये दोनों ही शुभ और अशुभ इन दोनों से यानी संसार से संसार सागर से आप तर जाएंगे भगवान के धाम को जाएंगे ये आपका जीवन का परम लाभ होगा उसके लिए भगवान ने कहा है कि मुझे प्राप्त हो जाएगा ऐसा करने से समो अहम सर्वभूतेषु न मे भजन्ति तु मां भक्त्या मई तेज चाप्यहम भगवान कहते हैं कि अर्जुन समम सर्वेशु भूतेषु न मे अस्ति न प्रिय यो में भक्ति ये भजंती तो माम भक्त्या मई तेती सु चाप्य हम हे अर्जुन सभी प्राणी मात्र में मेरी समान दृष्टि है सभी के साथ मेरा द्वेष नहीं है सभी को मेरा प्रेम प्राप्त होता है बारिश बरसती है तो सभी को प्राप्त होती है सभी को सुख आता है दैत को भी दानव को भी दुष्ट को भी पापी को भी धर्मी को भी कर्मी को भी अधर्मी को भी सभी को आनंद मिलता है कि बारिश हो रही है अन्न पैदा होगा सागरों में जल उमड़ेगा बादल बनेंगी वर्षा होगी तो नदियों में भी बाढ़ आएगी झरनों में निर्मल जल बहेगा खेतों में चावल गेहूं पकेंगे दाल पकेगी दाल के फल आएंगे सभी को आनंद आता है बरसात में पेड़ों को पौधों को पक्षियों को पशुओं को नर मान बानर को सबको तो ये बारिश कहां से होती है ये तो भगवान की इच्छा से ही सब संसार चलता है भगवान विष्णु पालन पोषण करने वाले हैं ये ब्रह्मांड के स्तर पर भगवान विष्णु क्षुरो विष्णु ये पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी है प्रलय की जिम्मेदारी भगवान शंकर की है सृष्टि रचना ये चौरासी लाख योनियों का जो बीज बनाया है ये ब्रह्मा जी ने बनाया है और उनके आधीनता में कर रह रहे अनेकों साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने बनाया है अनेकों बीज हैं चौरासी लाख गिना है लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा भी हो सकता है हजारों प्रकार की घास होती है पेड़ होते पौधे होते हैं। हजारों हजारों प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग लेकिन शास्त्रों में उद्धृत किया है चौरासी लाख तो अवश्य चौरासी लाख होंगे तो चौरासी लाख कम होता है चौरासी लाख विभिन्न योनियों का बीज बनाना और सारे ब्रह्मांड में उसको बखेर देना ये कोई महान साइंटिस्ट का काम है हमारे पृथ्वी का साइंटिस्ट तो कोई घास का पेड़ तो दूर है पत्ता भी नहीं बना सका है ना फूल बना सका है ना कोई और बना सका है नहीं बना सका है बना भी नहीं सकेगा क्योंकि मनुष्य का यह काम नहीं है मनुष्य इस विधि को जानता भी नहीं है ये ब्रह्मा जी के आधीन है ब्रह्मा का आसन कहां है इस ब्रह्मांड में बहुत दूर अति दूर वैज्ञानिक थोड़ा समझने लगे कि ये हमारी जो आकाश गंगा है व्हाइट ग्लाक्सी यह बड़ी छोटी ग्लाक्सी है जिसमें पृथ्वी की दशा एक सरसों के दाने के जैसी है लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने यंत्रों से हजार से भी ज्यादा ग्लाक्सीज और एक से एक बड़ी ग्लाक्सीज देखी है लेकिन वैज्ञानिक तो पूर्ण नहीं है क्योंकि मनुष्य की ये इंद्रियां पूर्ण नहीं है अपूर्ण है कैसे पूरे ब्रह्मांड को वैज्ञानिक देखे लेकिन भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा जी का एक दिन एक हजार चतुर्युगी बीच जाने पर होता है पूरा एक दिन की आयु एक दिन की जो उम्र है एक दिन का समय जो है वो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो समय है इनके एक हजार चतुर्युगी का मतलब है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युग है करेक्ट चार युगों में सतयुग की आयु है अठारह लाख से थोड़ी सी कम स्त्रीता की आयु है बारह लाख से थोड़ी सी ऊपर कलयुग की द्वापर की आयु है आठ लाख और चौसठ हजार वर्ष और कलयुग की आयु है चार लाख बत्तीस हजार वर्ष इन सबको मिला दो तो तकरीबन बावन लाख के बराबर बैठता है बावन लाख ,00 का मतलब एक चतुरयुगी चतुर चारों युगों का एक चक्र ऐसे एक हजार चक्र मार दो तो जो भी संख्या आएगी उसमें ब्रह्मा का एक दिन होता है तो फिर उतनी समय की रात्रि होती है ब्रह्मा जी की ऐसे हिसाब से ब्रह्मा जी की जो सौ वर्ष की आयु की ये ब्रह्म लोक के अनुसार उसका उल्लेख किया है वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी महाराज ने भागवत गीता में ही कि 311 ट्रिलियन और 400 बिलियन वर्ष जब पृथ्वी के होते हैं तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं ये ब्रह्मा जी की आयु है तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक हमसे कितनी दूरी पर है अत्यंत दूर है ये विशाल ब्रह्मांड है ये एक ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड है असंख्य ब्रह्मांड है भौतिक सृष्टि में हम के भगवान श्री कृष्ण के शब्दों पर फेत होना चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए विश्वास होना चाहिए तब हमको कुछ लाभ मिलता है श्रद्धावान लि ज्ञानम श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है समोह सर्वभूतेशु न में द्वेशोस्थी न प्रिय मेरा कोई संसार में कोई दुश्मन और कोई कोई दुश्मन हो कोई बहुत प्रिय हो नहीं समो मैं समान रूप से सबको देखता हूं सब मेरे अंश सब मेरे मेरे ही आत्माएं सब मेरे अपने हैं सब मनुष्य नहीं देवता ही नहीं पेड़ पौधे भी पशु पक्षी भी जितनी भी आत्माएं हैं ये सब मेरे हैं इसलिए भगवान ने कहा कि समोह अहम सर्वेशु समोह अहम सर्वभूतेशु नए द्वेशो अस्थि न प्रिय हो किसी से भी मेरा भाव नहीं है और ना कोई यही है कि मैं ये मेरा बहुत प्रिय है भेदभाव में दोनों चीज आ गई कि ये मेरा प्रिय है ये मेरा अप्रिय है नहीं आत्मा स्वरूप से सब भगवान को प्रिय है सब भगवान के हैं ये नहीं भाई एक प्रिय है दूसरा से करते हैं दुश्मनी करते हैं नहीं आत्मा स्वरूप से जब ये अनंत आत्माएं सच्चिदानंद स्वरूप से स्तर पर हैं, वो सब भगवान को प्रिय हैं। भगवान के ही अंश है लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसे घिनौने कर्म करते हैं किस आत्मा को अपवित्र कर देते हैं चारों तरफ से उसके ऊपर गोबर लपेट देते हैं संसार का गोबर और कुछ ऐसे संत जन जो उसको निर्मल रखते हैं इसलिए अधिकतर भगवान जब आते हैं दर्शन देते हैं प्रकट होते हैं या हृदय में प्रेरणा देते हैं वो संतों के लिए क्यों क्योंकि संत निर्मल है निर्मल के साथ ही निर्मल बात करेगा फिर इनका क्या करेंगे जो गोबर लपेटे हुए हैं तो भगवान इनका गोबर साफ करने आते हैं गोबर झाड़ते हैं इनको भी क्लियर करते हैं इनके गोबर को उतारते हैं इनको स्नान कराते हैं पवित्र बन, बनाते हैं यदा यदा धर्मस ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस् त सृजाम्यम परित्राणाय परित्रणा साधुना विनाशा च दुष्कृता धर्म संभवामि संभवामी युगे युगे तो ये पवित्र करने की स्थापना पवित्र करने की विधि को देने के लिए मैं युग युग में आता हूं कि यह पवित्र करने की विधि है फार्मूला है इससे आप बार बार स्नान करो और पवित्र हो जाओ तो मैं दुष्टों के गोबर को उतार देता हूं जो उनका अहंकार है काम है क्रोध है मध है मोह है मत्सर है शरीर के ऊपर बड़ा अहंकार है दुष्कर्म करता है वो गोबर से अंधा हुआ है अंधे अंधेरे में जीवन जीता है तो उसके गोबर को झाड़ देता हूं ये कौरव जो सामने खड़े इनके आत्मा ये भी मेरे प्रिय है तू भी मेरा प्रिय है सभी मेरे प्रिय है लेकिन इन इनके ऊपर गोबर चढ़ा हुआ है अहंकार का काम क्रोध मद मोह मत्सर और लालच का इसको मैं साफ करने के लिए आया हूं और मैं इसको सा, इनको साफ करूंगा इनके गोबर को झाड़ूंगा इनके अहंकार को गिराऊंगा इनके शरीरों को गिराऊंगा इनका शरीर दूषित है और इनको पवित्र बनाऊंगा इनका आत्म स्वरूप से इनका उद्धार करूंगा कल्याण करूंगा तू युद्ध कर मार इनको उतार तू मेरी मदद कर मेरा काम कर अर्जुन इनके गोबर को झाड़ दे इनको स्नान करा पवित्र कर इनको अपने बाणों से मैं इनके जो कालिक है इसको साफ करने के लिए आया हूं जो गोबर चढ़ा रखा है जन्म जन्म से इसको मैं उतारूंगा इनका मेरा काम है उद्धार करना मारना नहीं लोग समझते मैं किसी को मारता हूं रावण को मारा कुंभकर्ण को मारा मेघनाथ को मारा या खरदूषण को मारा या कंस को मारा या शिशु शिशुपाल को मारा या वक्रासुर को मारा नहीं इनका उद्धार किया मैंने इनका गोबर झाड़ दिया मैंने जो संसारिक गोबर जन्म जन्म से इन्होंने लपेट रखा था जिसके कारण ये तकलीफ पा रहे थे जले जा रहे थे मैंने इनको दावन से बचाया है अर्जुन मारा नहीं अभी मैं तुम्हें चांस देता हूं अवसर देता हूं तो बाण उठा और इनके गोबर को झाड़ दे जिससे पवित्र हो जाए किसी जैसे किसी मां से अपने बच्चे की गंदगी नहीं देखी जाती ठीक वैसे ही तो गंदगी को साफ करती है उसको स्नान कराती है पाउडर लगाती है खुशबू छिड़कती है फिर गोद में उठाती है ठीक वैसे ही भगवान भी कभी कभी असुरों के जब असुरों की बाढ़ आती है गोबर ही गोबर धारी बढ़ जाते हैं धरती पर उनके गोबर को झाड़ने के लिए आते हैं उनको पवित्र करते हैं स्नान कराते हैं अभी अर्जुन को अवसर देते हैं कि तुझे मैं अवसर दे रहा हूं मैं तो आया ही इसी उद्देश्य से हूं लेकिन तू मेरा मित्र है मेरा भक्त है और वीर है धनुर्धर है तू इस अवसर को मत सुख तू मेरी सेवा कर इनका गोबर झाड़ इनको पवित्र बना ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त करेगा तू तो भी मेरा प्रिय भक्त होगा मेरे धाम का वासी होगा मेरा मित्र होगा ऐसे तो सभी मेरी संतान है सुर असुर देवी देवता जन मानव पशु पक्षी तमाम ब्रह्मांडों में सब मेरे अंश है मेरी संतान है मैं भेदभाव नहीं रखता कि ये मेरा दुश्मन है और ये मेरा दोस्त है नहीं सभी मेरे अपने हैं सभी मेरे प्रिय हैं। लेकिन कभी मेरे प्रियजनों के ऊपर गोबर लिपट जाए तो कभी दयावश करुणावश मैं उनका गोबर झाड़ने आता हूं यदा यदा ये धर्मश ग भारत अभ्युत्थान मधर्मश्य तदात्मान सजाम तो फिर धर्म स्थापना भी करता हूं यानी गोबर झाड़ने की विधि भी छोड़ के जाता हूं जो भागवत गीता छोड़ के चले गए ये गोबर झाड़ने की विधि है असुरों को भक्त बनाने की विधि है राक्षसों को संत बनाने की विधि है ये फार्मूला देके गए हैं अर्जुन नहीं रहे कृष्ण भी चले गए नहीं फार्मूला तो दे गए या कि उनका फार्मूला सदैव यहां पर है कोई लाभ उठाना चाहे उठा सकता है किसी का गोबर लिपटा हुआ हो किसी का मन कलुषित हो मैल जमा हुआ हो जन्म जन्म का इस गीता के संपर्क में आके गीता जी को प्रणाम करके गीता जी का सत्संग सुन के गोबर को झाड़ सकता है समो एह सर्वभूतेषु न मे द्वेश न प्रिय ये भजंती तू मक्त्या मई तेतीसु चा, चाप्या लेकिन जो लोग मुझे भजते हैं यानी मेरी सेवा में रहते हैं उनके हृदय में मेरा वास होता है मैं रहता हूं और वो भी मेरे हृदय में रहते हैं मैं उनको कैसे बुलाऊं? उन मेरे प्रिय भक्तों को मैं कैसे बुलाऊं? उनको मैं नहीं बुला पाता हूं वो मेरे हृदय में रहते हैं और उनके हृदय में मैं रहता हूं ऐसे विश्व ब्रह्मांडों में कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है कोई मेरा दोस्त नहीं है सब समान है सब मेरे अंश हैं, सब जीवात्माएं हैं, लेकिन जो मेरी भजन का शब्द आया भजनतेमाम भजनते, भजनते यानी उपासना करने वाले भगवान को प्रसन्न करने वाले अपने कर्मों से अपने दान से अपने हवन से अपने यज्ञ से अपने तप से जो भगवान को प्रसन्न करने लगे हुए हैं भगवान कहते हैं कि उनके हृदय में तो मैं साक्षात मुरली बजाता हूं खुद स्वयं देव की पुत्र कृष्ण और ऐसे भक्त ऐसे प्रिय भक्त भी मेरे हृदय में रहते हैं उनको मैं कैसे विसर सकता हूं कैसे भूल सकता हूं मैं प्रहलाद को कैसे भूल सकता हूं मैं मीरा को ये मेरे भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु बल्लवाचार्य निम्बार काचार्य भगवान के शुद्ध भक्त हैं कैसे भुलाए ये इनके हृदय में रहते हैं भगवान के भक्त हैं उदाहरण दिए हैं, भगवान के भक्त बड़े गुप्त साधारण सी अवस्था में रहते हैं पहचाना बड़ा मुश्किल है भगवान के शुद्ध भक्त समझने में नहीं आते जल्दी किसी फूटे खंडर में दो बूढ़े भक्त भगवान की रस लीलाओं का रसपान करते हुए रहते हैं कैसे पहचानोगे उन्हें जब दृष्टि ही नहीं तो जब गोबर लपेटा हुआ है तो उनको पहचानने के लिए तो प्योरिटी चाहिए पवित्रता चाहिए बाहर की पवित्रता भी और भीतर की पवित्रता भी तब पहचान में आते हैं भगवान के भक्त भगवान के भक्तों को पहचानना आसान नहीं है कपड़ों की भी सु, कपड़े भी सिंपल हैं रहते भी सिंपल हैं, बात भी सिंपल से करते हैं नहीं पवित्रता से भगवान के भक्त पहचान में आते हैं और अति पवित्रता से भगवान पहचान में आते हैं जो भगवान को पहचान लेते हैं फिर भगवान के हो जाते हैं फिर क्यों बार बार यहां जन्म मरण जरा व्याधि, नहीं वो नहीं आते वो मुक्त हो जाते हैं चले जाते हैं भगवान जहां पर है भगवान के प्रेमी भगवान को मिल जाते हैं भगवान कहते हैं कि कोई दुराचारी भी मेरा भजन करे मेरी शरण ग्रहण करे वो भी भक्त बन जाता है पुराणों में कथा है वाल्मीकि जी महाराज की वाल्मीकि जी एक शिकारी थे शिकार करते थे बड़े बेदर्दी से सदना कसाई का जैसे आपने नाम सुना होगा सदना कसाई कसाई था बकरी काट काट के बेचता था लेकिन भगवान की कृपा से एक दिन वो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया सदना कसाई का दुनिया गुणगान कर रही है आज भी और उनका नाम मिटेगा नहीं भक्तों की जबान पर रहेगा सदैव ऐसे भक्त बने हैं भगवान के बाल्मी की शिकारी थे नाम था बाल्या नारद जी की कृपा हो गई जैसे किसी संत की कृपा हो जाती है जीव के ऊपर संत तो कृपा की दृष्टि बरसाते हैं नारद जी ने कहा अरे भाई ये आप क्या करते हैं ये सैकड़ों जानवरों को मार के पूरी तरह मारा भी तो नहीं तड़प रहे हैं बोले आदमी इतना या तो पूरी तरह मार दे तो कम से कम जानवर छटपटाए तो नहीं ये तुम क्या पाप कर रहे हो भाई ये तो अच्छा नहीं लेकिन बाला ने कहा कि तुमको क्या लेना देना है तुम अपने रास्ते जाओ अरे भाई ਲੂਸ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 12 ਪਾਉਂਡ weight lose ਕੀਤਾ ਹੈ 파ਰਕਟਲੀ 스트레스 ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ એનਰਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-866-979-2348 ਤੇ ਫੋਰਐਵਰ ਫਿਟ ਰਹੋ I can only say that this is one of the best capsicuts around Forever Fit यमराज मैं मरना नहीं चाहता तेरा क्रेडिट तो खराब हो चुका है तू घर खरीद नहीं सकता नई गाड़ी ले नहीं सकता तुझे साइकिल का फटा हुआ टायर भी नहीं मिलेगा तू इस धरती पर रह के क्या करेगा चल मेरे साथ अगर मैंने पहले ही जाइनो क्रेडिट रिपेयर को कॉल करके अपना क्रेडिट ठीक करवाया था और अगर तुम्हें अपना क्रेडिट ठीक करवाना है तो आज ही कॉल करो क्रेडिट रिपेयर अपना फ्यूचर रिपेयर करो